देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, किसकी दो टाइप में इसको बांट दिया मटेरियल्स को। पहला हमने ले लिया मेटल्स या कंडक्टर और दूसरा ले लिया सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर एंड कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन है। कंडक्टर्स का तो हमने स्टडी किया था, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का तो उसकी थर्मल स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब थर्मल स्पीड बढ़ती है तो टाइम ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो जाता है, टक्कर का टाइम कम हो जाता है, जल्दी टक्कर हो जाती है। टाउ कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। हो गया रिजल्ट यार। अब नेक्स्ट रिजल्ट है कितनी बढ़ जाती है। तो अगर पहले टेम्परेचर आर जीरो है, आर जीरो का मतलब रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस, और टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आर ऑफ टी हो जाती है, तो आर ऑफ टी, आर एट टेम्परेचर, टी का मतलब नए टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो जीरो डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस के कैसे रिलेटेड है। आर ऑफ टी इज आर ऑफ जीरो इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, और वेयर आर ऑफ टी का मतलब रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर ऑफ जीरो का मतलब रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस, एल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, मटीरियल पे, एंड डेल्टा टी का मतलब राइज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कैसे आया इसके लिए, अगर आपको याद हो थर्मल एक्सपेंशन करके प्लस वन में टॉपिक होता था जिसमें ऐसे कई फॉर्मूले किए थे, एल डैश इज एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, सरफेस एरिया के लिए एस इंटू वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, वॉल्यूम के लिए वी इज इक्वल टू वी इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, याद है। तो ऐसा कुछ किया करते थे, अल्फा बीटा गामा, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनेमिक्स। याशिता कुछ याद नहीं आ रहा लगता है, आ गया, अच्छा ठीक है यहां तक। तो वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल्फा मटीरियल पे डिपेंड करता है, मटीरियल अगर का एल्फा अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज कर लेता है, अगर कम है तो कम रेजिस्टेंस उसकी चेंज होती है। जितना ये ज्यादा होगा डेल्टा टी इंक्रीज करोगे तो ये तो बढ़ ही जाएगा, बहुत बढ़ेगा अगर एल्फा ज्यादा होगा, और एल्फा अगर क्या होगा कम होगा तो ये कम इंक्रीज होगा। और एल्फा क्वेश्चन में गिवन होता है, मटेरियल पे डिपेंडेंट है, तो एल्फा के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना होता। ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि अगर मान लो आर जीरो से रेजिस्टेंस आर टी हो जाती है तो डेल्टा आर का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ जीरो, राइट। यही है आपकी चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है यहां तक। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है जो या डेल्टा आर जो चेंज इन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिपेंडेंट है ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पे आर जीरो पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास जीरो डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दो ओम है और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसकी वैल्यू डेल्टा आर की, मतलब दो ओम की जगह मान लो रेजिस्टेंस 2.1 ओम होगी, 2.2 होगी, इतना इंक्रीज होगा और कितना होगा, तो डेल्टा आर 0.1 या 0.2 रहेगा। लेकिन अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस 2000 ओम लेता हूं तो हो सकता है नई रेजिस्टेंस 2010 ओम आ जाए, 2020 आ जाए, तो डेल्टा आर 10-20 ओम हो जाएगा। जितनी बड़ी ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी उतना बड़ा राइज इन रेजिस्टेंस होगा, यही है रूल, कोई डाउट इसमें। तो अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस ही बड़ी है, बहुत बड़ी चल रही है, हजारों में चल रही है, तो इंक्रीज भी हजारों में चलेगा, अगर वही छोटी चल रही है तो ये भी छोटा चलेगा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन राइज इन टेम्परेचर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कॉन्स्टेंट लगता है, और कॉन्स्टेंट इसमें क्या लगता है, एल्फा लगता है। एल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मटीरियल पे डिपेंड करता है, जितना मटीरियल का एल्फा बड़ा होगा डेल्टा आर उतना ही बड़ा होगा। और डेल्टा आर होता क्या है, आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ नॉट एल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो आर ऑफ टी, आर नॉट राइट साइड पे चला गया तो 1 प्लस एल्फा इंटू कितना, डेल्टा टी। ये स्टेप क्लियर है, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसका प्रूफ के लिए लिख लो रेफर बुकलेट, ये बुकलेट में गिवन है प्रूफ, लिख लो बस रेफर टू बुकलेट, तो बुकलेट में आपको मिल जाएगा ये जो लिखा हुआ है।
हाँ जी ठीक है यहां तक, पर अपना फॉर्मूला समझ में आ गया क्या लगेगा इसमें। अब इसमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ती है उसका फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, और वेयर एल्फा इज नोन एज, यहाँ एल्फा डैश कर लो रादर, एल्फा डैश इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। पॉइंट समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है यहां तक? तो अब किसी भी मेटल के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, किसी भी मेटल के लिए जो रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 10^-8 होता है, मतलब इतनी छोटी वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, वो बताने की कोशिश कर रहा है 10^-8। किस काफी मेटल्स के लिए, ज्यादातर मेटल्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 4×10^-3 के अप्रोक्सीमेटली क्लोज होती है, रेंज बता रहा है कि अल्फा इसके आसपास होता है, काफी छोटा होता है 0.0004 के आसपास आएगा, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज होने वाली, पर ये है कि जीरो भी नहीं रहेगी, कुछ तो चेंज होगा। रेजिस्टिविटी प्योर मेटल की हमेशा कम होती है, एलॉय जब बन जाता है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, अगर आप प्योर कॉपर लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही बात है, वो कम रहेगी, कम रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आपने एलॉय बना दिया तो उसकी रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाती है, याद रखना एलॉय की रेजिस्टेंस प्योर मेटल से बड़ी होगी। तो ये ग्राफ बनाया हुआ है किसका, ये कॉपर का है टेम्परेचर के साथ, तो जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो ही है, कम है, लेकिन अगर वही एलॉय बना दिया जाए नाइक्रोम का तो उस केस में देखो रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ तो रहेगी, जीरो टेम्परेचर में भी जीरो तो नहीं है कम से कम, और इसका ग्राफ लीनियर होता है, इसका ग्राफ थोड़ा सा कर्व होता है। तो मतलब ये क्यों होता है ये तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको याद ही करना है 1 मार्क्स में कि कॉपर की रेजिस्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करो, नाइक्रोम का प्लॉट करो, तो आपने ये याद रखना है, सीधा ग्राफ ही आता है 1 नंबर पे, बस आपको ये पता होना चाहिए ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, ये ग्राफ ये शो कर रहे हैं कि नाइक्रोम की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कॉपर से तो बड़ी ही है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अल्फा, जो मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं उनका जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू कितना डेल्टा टी, अल्फा अगर नेगेटिव हो गया तो ये टर्म नेगेटिव हो गई तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाएगी, तो याद रखना कंडक्टर्स के लिए अल्फा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ये तो था कंडक्टर, अब बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर, जैसे कि इसमें कार्बन वगैरह भी यूज करेंगे हम, नॉर्मली तो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस है। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से और करंट कम फ्लो करता है, चार्ज कम फ्लो करता है, सेमीकंडक्टर का उल्टा बिहेवियर है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कंडक्ट करना शुरू कर देता है, उल्टा बिहेवियर क्यों होता है ये हम सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम्स है, एक प्योर सेमीकंडक्टर है, नॉर्मल कंडक्टर का एटम और सेमीकंडक्टर का एटम और इंसुलेटर का एटम इनमें क्या फर्क होता है, मान लो एक मिनट के लिए ये क्लास क्लास नहीं है, ये क्लास एटम है, एक एटम है बहुत छोटा एटम है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मैं न्यूक्लियस हूं और आप सब इलेक्ट्रॉन्स हो, और ये एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के पास सबसे कम एनर्जी लेवल, फिर ये ज्यादा एनर्जी लेवल, ये ज्यादा एनर्जी लेवल, ये ज्यादा एनर्जी, वो सबसे कम एनर्जी लेवल पे आखिरी वाले, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सबको मालूम है। तो जब बॉन्ड टूटता है तो सबसे पहले कौन भागेगा, वही भागेंगे, ये नहीं भागेंगे, ऐसे होता है। होता क्या है कि जो सिलिकॉन है उसको, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम, आपने कंडक्शन सुने कंडक्शन बैंड कभी केमिस्ट्री में, अच्छा वो आने वाला होगा, कोई बात नहीं भी आ जाएगा। चलो ऐसे करते हैं, अगर मुझे इस एटम में से उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, तो न्यूक्लियस से उनको तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड को, तभी वो यहां से जाएंगे,
बॉन्ड को तोड़ के फ्री करना पड़ेगा, उस एनर्जी को बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं ई ऑफ जी, गैप एनर्जी। कितना गैप चाहिए उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस एटम को छोड़ने के लिए। ठीक, ऐसा क्यों होता है ये मैं खुद आपको सेमीकंडक्टर के अंदर सिखाऊंगा बहुत डिटेल में, क्या होती है बैंड गैप एनर्जी होती है ये, वैसे इतनी देर में केमिस्ट्री वाले भी आपको सिखा देंगे। पर अभी आप ऐसे समझो कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम से छुड़ा के फ्री करना ई ऑफ जी एनर्जी चाहिए हमें, जो तो इंसुलेटर है। इंसुलेटर की तो ये समस्या, आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो इसके आसपास, इंसुलेटर के न्यूक्लियस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर ही नहीं सकते, वो करते ही नहीं, इसीलिए वो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि उसको तोड़ने की एनर्जी बहुत बड़ी चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए, और वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर में एनर्जी का लेवल बहुत 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 छोटा है, हल्का सा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, वो फटाफट फ्री हो गए और भाग गए, एटम छोड़ के भागेंगे कहाँ, जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर ही घूमेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। ऐसे एक क्लास नहीं है, ऐसे लाखों एटम्स हैं, अभी तो मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन लाखों हैं। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे इसमें, जब आप बैटरी लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो क्योंकि उनको तोड़ना, बॉन्ड तोड़ना, उनका आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, क्योंकि एनर्जी लेवल उनको कम चाहिए। अब एक होता है, मतलब कंडक्टर को तो इसलिए कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि उसको तो हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं, उसने कंडक्ट करना साथ किया शुरू कर दिया। इंसुलेटर वो कंडक्ट नहीं करता, तो इंसुलेटर का तो केस ही अलग है, उसको तो जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो वो एटम नहीं छोड़ने वाला, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहीं बैठा है, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्टर कंडक्ट करेगा। अब सेमी कंडक्टर की कहानी कुछ और है। सेमी कंडक्टर का जो एटम है उसके अंदर जो सिलिकॉन सिलिकॉन के चार वैलेंस बैंड है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो ना वीकली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उन वैलेंस चार इलेक्ट्रॉन को बांध के रखे। कितना कितना होता है, अगर तो आपने टेम्परेचर कर दिया डाउन, मतलब ये इतना ज्यादा वीक होते हैं कि टेम्परेचर के साथ ही टूट जाते हैं बॉन्ड इनके, तो आपको बैटरी लाने की जरूरत ही नहीं है, पर टेम्परेचर ही बढ़ा दो इनके बॉन्ड टूटे ही टूटे। तो अगर आप इनको जीरो केल्विन पे रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नीचे टेम्परेचर पे, तो ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहेंगे। आप जरा सा रूम टेम्परेचर बढ़ा दो या धूप में रख दो, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के भाग जाते हैं, अपने आप ही टूट जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है बाहर से, थर्मल एनर्जी, और उतनी सफिशियंट होती है उनकी, वो ईजी की वैल्यू लो होती है। ये ईजी सेमीकंडक्टर के लिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है रादर, तो ये एनर्जी इतनी होती है कि आप धूप में भी रख दो ना, या रूम टेम्परेचर पर रख दोगे किसी सिलिकॉन को, किस स्ट्रक्चर को, अपने आप ही इतनी एनर्जी मिल जाती है लाइट से, फोटोन्स गिर के, कि अपने आप ही टूटने शुरू हो जाते हैं, कोई बैटरी की जरूरत ही नहीं है इनमें। तभी तो बाहर सोलर पैनल्स लगे होते हैं धूप में, जब धूप पड़ती है सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि धूप से उनके बॉन्ड्स टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, बैटरी चाहिए ही नहीं। अब ऐसे कितने सिलिकॉन के एटम्स होंगे, लाखों करोड़ों होंगे सिलिकॉन के उसके अंदर, तो सोचो सारे लाखों करोड़ों एटम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, ये तो बाढ़ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब हम तो थोड़े बहुत मांग रहे थे, यहां तो सारे एटम ने रिलीज कर दिया, इतने इकट्ठे हो गए, इतने इकट्ठे हो गए कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जनरेट होनी स्टार्ट हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं, उल्टा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि नंबर इतना बढ़ जाता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस से, कोलिजन होती है, हो जाए लाखों करोड़ों रिलीज हो गए, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत मिल जाते हैं हमें, तो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं बढ़ती नहीं है, उल्टा कम हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कुछ कहानी सेमीकंडक्टर में पढ़ाई जाती है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि ये जो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी के एटम को तोड़ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो सेमीकंडक्टर में तो कम रिक्वायर्ड है, कंडक्टर में तो बहुत ही कम रिक्वायर्ड है, और रही बात आपकी जो इंसुलेटर है उसमें तो निकलने वाला है ही नहीं। तो ये आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बिहेवियर बता रहा है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, रिलैक्सेशन टाइम टाउ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि कंडक्टर में फर्क पड़ता था। कंडक्टर में टाउ कम हो जाता था, रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी, कंडक्टर में एन को फर्क नहीं पड़ता था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सिलिकॉन के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट नहीं है, धूप में रखोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन
लाखों करोड़ों की संख्या में आ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इट विल क्वांटिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी इंक्रीज हो जाएगी, डबल ट्रिपल, नहीं नहीं एक्सपोनेंशियल, खुद नहीं पता कितनी, तो धूप में रखते ही या टेम्परेचर इंक्रीज करते ही एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है नंबर ऑफ एटम्स में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, सॉरी, क्लियर है यहाँ तक? तो वो कह रहा है कि टाउ पे तो फर्क पड़ता नहीं, बट नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ने से एन बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है, और कितना इंक्रीज हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है, इसको फर्क नहीं पड़ता, सेमीकंडक्टर में इसको फर्क पड़ता है, एन इतना इंक्रीज हो जाता है कि रेजिस्टेंस उल्टा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो सोचो आर एन तो लाखों बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मैंने बता दिया, तो ऑब्वियसली अगर ये बहुत इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो आंसर समझ में आ रहा है कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर कितनी कितने नंबर रिलीज हो जाते हैं, कितने जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, तो एक फॉर्मूला गिवन है कि टी टेम्परेचर अगर हो जाता है तो नंबर डिपेंड्स अपॉन टी, इज अ फंक्शन ऑफ टी, एन इंटू टी नहीं है, ये एन की वैल्यू टी टेम्परेचर पे इतनी हो जाती है, एन जीरो का मतलब एट जीरो केल्विन ई रेज टू पावर माइनस, जो आपको जो एटम ले रहे हो जिसका ये निकाल रहे हो एन, उसका कोई बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी चाहिए होगी, डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ये जस्ट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया, वैसे यूज कम ही होता है, बट फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी ये नहीं कहती कि मैं डालूंगी नहीं पेपर में, तो लिखा नहीं हुआ था तो मैंने डाल दिया, इसमें लिखा होता मैं ना डालता, तो देख लो एक बार, ये फॉर्मूला है और ये एनर्जी गैप है ई जी, और जो रेजिस्टिविटी है वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी एट जीरो ई रेज टू पावर ई जी अपॉन के टी। तो ये तो फॉर्मूलाज है, बस नजर मार लो इस पे, और अभी तक आया तो नहीं है फॉर्मूला लिखना आज तक, वैसे बता रहा हूं, बट आ भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर के साथ। अगर ये बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी, गैप एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो उस केस में सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर है, ये वैल्यू याद रखनी है। और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी बहुत हाई नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे हाई नहीं होती, उल्टा लो होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ऐसा होता है। कंडक्टर का ना काम कुछ डिफरेंट है, नहीं नहीं जीरो नहीं होता उसमें, हाँ कई बार जीरो भी हो जाता है क्योंकि ओवरलैप करते हैं दोनों बैंड्स। मैं कंडक्टर की बात नहीं करूंगा, उसका हो चुका, ये उस चैप्टर में समझाऊंगा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें ज्यादा समझ में आएगा, अभी बस काम चलाऊ बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर में इतना होता है, होता ही नहीं वैसे कभी कभी, तो इसमें वो पहले फ्री होता है यार, उसको क्या फ्री करोगे, कंडक्टर में क्या फ्री करोगे, तो पहले घूम रहे होते हैं उसमें, तो फ्री फ्री है। अगर ये एनर्जी तोड़ने की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो फिर तो समझो वो इंसुलेटर है, और इंसुलेटर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, उसमें तो करंट पास होता ही नहीं। असली चीज तो याद रखनी है, कोफिशियंट अल्फा की वैल्यू सेमीकंडक्टर की पॉजिटिव नहीं होती, अल्फा की वैल्यू सेमीकंडक्टर की नेगेटिव होती है। तो क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाएगी, तो कंडक्टर की अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव। कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के साथ और सेमीकंडक्टर में कम होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक। अब ग्राफ सेमीकंडक्टर में एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर का ग्राफ बनेगा, तो एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कम होती जाती है, मैथ्स में लोगों को समझ में आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियली कम होती जाती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है यहां तक? ये याद करना है, आपके एनसीईआरटी में बोर्ड में आता होता है ऐसा क्वेश्चन कि जो एलॉयज है या फिर आप एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एक मशीन है जिसमें आप रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो, तो आप जो रेजिस्टेंस कॉइल बनाओगे वो किस मटेरियल की लगाओगे ये बताओ, कॉपर की लगाओगे, नहीं कॉपर तो नहीं लगाओगे, प्योर मेटल तो नहीं लगाओगे, आप एलॉय की लगाओगे, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एलॉयज बनाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और आपको भी मशीन में क्या लगानी है, रेजिस्टेंस,
तो रेजिस्टेंस बनाने का जो मटेरियल होगा वो प्योर मेटल नहीं होगा, वो क्या होगा, एलॉय होगा। और नॉर्मली जो रेजिस्टेंस कॉइल है वो दो मटेरियल की बनती है, पहला मटेरियल कॉन्स्टेंटन और दूसरा मैगनेन। तो दो मटेरियल्स हैं, कोई भी लिख सकते हो इसमें। और जिसके अंदर ऐसा क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं, पहला रीजन, एलॉयज हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि एलॉय होने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है, पहला रीजन है। दूसरा, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एल्फा की वैल्यू इनकी क्या होती है, स्मॉल होती है। एल्फा जब स्मॉल होता है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होता है। मतलब आप आरटी बहुत, अगर एल्फा ज्यादा होगा तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बहुत ज्यादा चेंज होगा, एल्फा अगर कम होगा तो उस केस में डेल्टा टी इंक्रीज करोगे ये कम चेंज होगा। तो इसीलिए हम चाहते नहीं कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज हो टेम्परेचर के साथ, हम चाहते हैं कि कॉन्स्टेंट ही रहे, अगर टेम्परेचर भी बढ़ जाए रेजिस्टेंस। इसलिए हम, तो ये दो रीजन मोर देन सफिशियंट है। तीसरा रीजन स्टडी नहीं किया जाता, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमोस्फेरिक कंडीशंस, जो कि हमने कभी भी स्टडी की नहीं। तो लिख दोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो पॉइंट सफिशियंट है पहले वाले पॉइंट, समझ में आ रहे हैं यहां तक। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है, सुपर कंडक्टर्स कम आता है वैसे, पर पता होना चाहिए। जो सुपर कंडक्टर्स है, नॉर्मली ये देखा गया है कि टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है। आप टेम्परेचर और कम कर दो, रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी, टेम्परेचर और कम कर दो, रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी। मान लो आपने टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया, अब इतना कम कर दिया कि रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू जीरो या रेजिस्टिविटी एकदम अप्रोचेस टू जीरो। तो जैसे एक नॉर्मल मैन सुपरमैन बन जाता है, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, नॉर्मल कंडक्टर भी सुपर कंडक्टर बन जाता है। ऐसा बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन बनाना मुश्किल है। तो इतना टेम्परेचर नीचे लाना ताकि उसकी रेजिस्टेंस को जीरो कर सकें, अगर हम ले आते हैं उस स्पेशल टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ले आते हैं उस मेटल का, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, कि जब वो मटेरियल क्या बन जाएगा, जब उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो मटेरियल क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी बिकम जीरो बिलो अ सर्टन टेम्परेचर नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है तो फिर वो सुपर कंडक्टर नहीं है, फिर वो नॉर्मल कंडक्टर है। और नॉर्मल कंडक्टर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ऐसे चेंज होती है, लेकिन सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तो होती नहीं, उसके बाद चेंज होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये आपको दो ग्राफ याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब ये भी माना जाता है कि अगर मैंने एक चार्ज को मूव करवा दिया सुपर कंडक्टर में, क्योंकि रोकने वाला तो कोई है नहीं, रेजिस्टेंस तो होगी नहीं, कोलिजन तो बिल्कुल जीरो कर दी, तो अगर मैंने एक चार्ज को मूव करवा दिया उसमें एक बार, तो वो कई साल तक मूव करता रहेगा। तो एक बार करंट जनरेट हुआ तो वो कई साल तक रहेगा, क्योंकि करंट इसलिए जीरो होता है क्योंकि कंडक्टर क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस। कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं करेगा तो फिर चार्ज हमेशा के लिए मूव ही करता रहेगा। बिल्कुल वैसे अगर एक बॉल को फेंका जाए, बॉल इसलिए ग्राउंड पे रुकती है क्योंकि फ्रिक्शन है, अगर ऑपोजिंग फोर्स ना हो तो बॉल हमेशा के लिए मूव करती जाए। क्लियर है यहां तक? तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिफिकल्ट टू मेंटेन, ये पता होना चाहिए। फिर एक स्कूल में क्वेश्चन और आता है, मेसनर इफेक्ट क्या होता है। अब होता क्या है कि जब एक मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है तो उसका टेम्परेचर ग्रेटर देन लेस देन क्रिटिकल होता है, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल है तो वो सुपर कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो आपने शायद केमिस्ट्री में सुना होगा फेरो मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जो तो फेरो मैग्नेटिक है, नॉर्मल आयरन, ये ना मैग्नेटिक फील्ड में रहना बहुत पसंद करता है, ये खुद ही मैग्नेट होता है। लेकिन कुछ मटीरियल ऐसे हैं जो डाया मैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को अपने से दूर भगाते हैं, उनको पसंद नहीं मैग्नेटिक फील्ड में रहना, उनको बोलते हैं डाया मैग्नेटिक। हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट मंथ, यही चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमने किया नहीं, पर फिर भी अब क्वेश्चन बीच में समझाना पड़ेगा। होता क्या है कि जब ये नॉर्मल कंडक्टर है, ये लोहे का पीस है और फेरो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करता है, तो जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से क्रॉस करवाई जाती हैं,
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल वैसी ही काम करती है जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काम करती है। तो जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करती हैं तो मैग्नेटिक लाइंस सारी की सारी इसमें से पास करेंगी क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करता है। तो लिया क्या था, लोहे का पीस, फेरोमैग्नेटिक, एक अभी सुपरकंडक्टर नहीं बनाया। जब मैंने इसको सुपरकंडक्टर बना दिया एक अजीब सा बिहेवियर दिखता है, अच्छा भला फेरो था, मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करता है, जैसे क्रिटिकल से डाउन किया सुपरकंडक्टर बन गया, अब मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। तो ये मटेरियल एकदम डायमैग्नेटिक बन जाता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी चेंज हो जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर, पहले लाइंस को पास होने दे रहा है, अब लाइंस को दूर भगा रहा है, इसमें से कोई लाइन पास नहीं होती। तो ये सब्सटेंस अब डायमैग्नेटिक तरह काम करता है और इस इफेक्ट को जब सुपरकंडक्टर बनने के बाद कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक बन जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो ऑलरेडी मैंने लिख दी हुई हैं उसमें, अभी नेक्स्ट शीट में जो हम करने जा रहे हैं तो उसी में कर लेंगे, इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप घर जाके इसको ट्राई कर लेना, एक ही जगह करेंगे। तो अब आप एक काम करो,